पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खसूसी कमेटी को पार्टी बयानी के लिए इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम, पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। वजीर दिफा ने कौमी असम्बली में वजीर अला के पी को भी आड़े हाथों लिया। आपने ऐवान जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ ताकि आपका इख्तदार कायम रहे। आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। अगर माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा मादरत उस पर करें। जलसे के बाद सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में आई एस आई वालों के पास बैठे रहे सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जरूरत करते। यही पूछे कि वहाँ पे क्या करने गए हुए थे। हाथ जोड़ के कहता हूँ गंडापुर दो नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें। खुदा का जो कल चेयरमैन बिलावल ने प्रपोजल दिया है वहां से हम एक नई इब्तिदा करना चाहते हैं तो कम से कम माजी के ऊपर जो है तासुफ जो है उसका इजहार जरूर होना चाहिए। मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। मैंने अपनी पार्टी को, मेरी पार्टी की लीडरशिप यहाँ पे बैठी हुई है, वजीर कानून भी बैठे हुए हैं, नायब वजीर आजम बैठे हुए हैं कि मेरी जगह वहां पे कोई और ना। नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है।